तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों की कुछ नदियों के बारे में जो कि बहुत ही तेज़ी से प्रकोप ला रही है। दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने जाऊंगा कुछ जो मैं जा रहा हूं उस नदी की जो स्टार्टिंग वीडियो जैसे कि मैं जा रहा हूं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं नदी के नज़दीक जाने वाला हूँ और आपको पूरा व्यूज़ करके बताऊँगा जैसे कि नदी का प्रकोप कितना हो चुका है, कितना कम हो चुका है या डाउन हो चुकी है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उन लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जो लोग छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको और नज़दीक जाकर मैं इसका व्यूज़ में पूरा क्लियर तरीके से मैं दे दूंगा कि जो कि मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िलों हैं वो किस तरीके से तबाह होने वाले हैं, क्योंकि पानी का जो कि नदियाँ हैं वो अपना एक रुद्र रूप लेने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो मैं आप लोगों तक बस ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं नदी के कितने करीब आ चुका हूं और नदी के करीब आते आते मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये देखिए पानी कहां से कहां तक आ गया, ये नदी कभी भी इतने तक नहीं आई है। मैं जो पुल पर चल रहा हूं और आगे थोड़ा मैं जाकर गाड़ी रोकेंगे, फिलहाल अपन यहाँ पर ट्रैफिक ना लगे इसके कारण मैं गाड़ी को साइड रोकता हूँ। तो ये नदियाँ छोटी पूरी नदियाँ थीं जो कि आज इतनी बड़ी नदियाँ हो चुकी हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ में इनका प्रकोप और भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। यहाँ की योजना वाले न्यूज़ वाले बताते हैं कि भाई डेली का 1.5 से 2 फुट पानी बढ़ ही रहा है, बल्कि कम नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कि पानी है, अभी तो मेरे को खबर आई थी कि 3 दिन पहले ये पानी आपको जो पुल दिख रहा है जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से 1.5-2 फुट नीचे ही पानी रह गया था, वरना ऊपर तक पानी आ चुका था। तो दोस्तों अगर आप ऐसे असुरक्षित जगहों पर रह रहे हों कि जहाँ पर पानी के एवं बाढ़ का खतरा है तो कृपया करके वहाँ से खाली कर दें, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैं कुछ आपको इसके शॉर्ट से वीडियो दिखाता हूँ मैं, जैसा कि ये रहा कि ये आज से 4-5 दिन पहले का वीडियो जो कि मैंने ले लिया वहाँ के कुछ लोगों से, जो कि मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखिए 2 से 1.5 फुट के पानी के आसपास है, ये नदी कितनी बड़ी आकार में परिवर्तन हो चुकी थी। तो दोस्तों इसके साथ में बता दूंगा कि ये पुल भी है, ये पुल को पानी टच करते हुए चलती रही थी ये सारी नदियाँ। तो दोस्तों ऐसी महामारी बाढ़ आपदा में क्या किया जाए, तो दोस्तों सबसे पहले अपन को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना चाहिए और अगर अपने रिलेटिव के या रिश्तेदार वगैरह जो भी कोई है वो अगर आसपास रह रहे हों नदी एवं तालाबों के पास में तो केवल उनको सूचित कर दिया जाए और उनको सुरक्षित स्थानों पर बोलने के लिए कहा जाए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ और क्लिप दिखाने वाला हूं कि यहां के आसपास के गांव में किस प्रकार से ये नदी का पानी कितने ऊपर तक आ चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि नदी का पता चल नहीं रहा है कि नदी कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है, और कई घर तबाह हो चुके हैं, कई गांव बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे नदी एवं पानी के आसपास में रह रहे हो तो कृपया उनसे सावधान रहें। दोस्तों जैसे कि मैं कुछ व्यूज आपको दिखाने जाता हूँ, तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम पल पल की खबर मनीगढ़ा डैम, आरसी डैम और जितने भी सारे डैम हैं और हर प्रत्येक गांव की खबर इसी चैनल पर डालते रहेंगे। आप दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।